नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। भारत और चीन की सीमा पे तनाव बरकरार है। हर वक्त इस बात का खतरा है कि कब दोनों देश की सेनाएं आपस में संघर्ष करेंगी, क्योंकि चीन बौखलाया हुआ है। इसी बीच में अमेरिकन मीडिया न्यूजवीक, वहां के जो बहुत ही फेमस मैगजीन है, उसने एक बड़ा खुलासा किया है और बताया है कि 15 जून को गलवान घाटी में जो संघर्ष हुआ था उसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, ये तो भारत ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन चीनी सैनिकों को लेकर के 30, 35, 43, 40 ये अंदाज़ा लगाया जाता रहा। लेकिन बहुत बड़ा खुलासा है कि उसमें 60 चीनी सैनिक मारे गए थे, 60, और ये मोर देन 60 भी हो सकता है। इस खुलासे के बाद ये बात आ रही है कि दरअसल पूरी की पूरी ये जो प्लानिंग थी वो जो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग है उनकी है, और नवंबर 2012 में जब ये महासचिव बने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के, उसके बाद से ही भारत के प्रति इनका रुख जो है, चाइना का रुख बल्कि कहें, पहले के शासकों की अपेक्षा सख्त हो गया था और घुसपैठ, जमीन दबाने की प्लानिंग होने लगी थी। इस बीच में 12 के बाद 2014 में नरेंद्र मोदी आए सत्ता में, और स्वाभाविक रूप से ये जो राइटिस्ट विंग है, राष्ट्रवाद पे जोर है, तो इस 4-5 साल में और ज़्यादा बीच में गैप बढ़ा। मतलब शी जिनपिंग को ये कतई गंवारा नहीं है कि नरेंद्र मोदी मजबूत रहें भारत में और मजबूत रहें, तो ये प्लानिंग वहाँ के लेवल पे की गई थी। और गलवा घाटी में पहला इनको सेटबैक लगा था मई में, तो और अप्रैल के लास्ट और मई में फर्स्ट वीक में तो इन्होंने बढ़त बना ली कि पेंगोंग लेक के फिंगर फोर से लेकर के और 8 तक इन्होंने कब्जा कर लिया, उसी में 5 मई को भारतीय सैनिकों के साथ संघर्ष हुआ। लेकिन जब 15 जून को संघर्ष हुआ, वो पूरी चीनी साजिश थी, उसमें पता चला कि भारतीय सेना ने जिस तरीके से पीएलए के सैनिकों को धूल चटाई, अचानक उन्होंने हमला किया था, तो चीन के होश फाख्ता हो गए थे। इसके बाद चीन अशांत नहीं बैठा था, उसने जो है अपने सैनिकों के मारे जाने की बात को लीक नहीं होने दिया, बाहर नहीं आने दिया, और ये बहाना बनाया, जब भी वहाँ के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया कि हम इसको बता करके और ज़्यादा तनाव नहीं बढ़ाना चाहते, यानी कि भारत को खराब लगेगा तो भारत की तरफ से दबाव बढ़ेगा शासक के ऊपर, तो फिर जो है तनाव और बढ़ेगा, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि चीन बताने लायक ही नहीं है। अभी इस बीच में क्या हुआ कि 29 और 30 अगस्त को जो हुआ कि चाइना पीछे हट नहीं रहा था, उस घटना के बाद भी, तो भारत ने जब चोटियों पे बढ़त बनाई तो इससे चाइना को और ज़्यादा सेटबैक लगा। वो सोच ही नहीं सकते थे, सपने में विश्वास ही नहीं कर सकते थे कि भारत भी ऐसा करेगा। ये न्यूजवीक का एक खुलासा है, ओपिनियन पीस और बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई है। अब क्या हुआ कि इसके बाद 7 सितंबर की भी घटना होती है, जिसमें उस बौखलाहट में ही चाइनीज आर्मी ने जो है फायरिंग की थी, वार्निंग फायरिंग, और अब उनको ये लग रहा है कैसे भारत को सबक सिखाएं। तो जो दोनों देश के विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों की मुलाकात हुई, विदेश मंत्रियों की मुलाकात के बाद 5 पॉइंट जो जिस बात पे सहमति बनी उसको लेकर के जारी किया गया बयान, लेकिन वो संयुक्त बयान नहीं आया। कोशिश चल रही है, वार्ता चल रही है, लेकिन चीन जो है भारत से बदला लेना चाहता है, और भारत से बदला ही नहीं लेना चाहता है, भारत से वो जमीन छीनना चाहता है, हड़पना चाहता है, गलवान घाटी को भी हड़पना चाहता है, पेंगोंग को भी हड़पना चाहता है, और वो बदले की कार्रवाई कर सकता है, ये भी न्यूजवीक लिख रहा है। एक और खास बात उसने बताया है, अप्रैल मई में ही रसिया ने भारत को वार्न कर दिया था कि जो तिब्बत पे चाइनीज अभ्यास चल रहा है उसके पीछे का मकसद है। अब इसके बाद सवाल उठेगा मोदी सरकार पे कि जब पहले ही वार्न कर दिया गया था, बता दिया गया था मित्र देश द्वारा, तो भारतीय सेना उधर से या सरकार कैसे लापरवाह हुई। कहा यह जा रहा है कोविड-19 जब आउटब्रेक हुआ तो जो भारत और चीनी सेना को अभ्यास करना था अप्रैल के लास्ट में, वो अभ्यास तो मुलतवी कर दिया गया, सेनाएं दोनों पीछे चली आई, थोड़ी सी उधर से ध्यान हट गया, और उसका नतीजा ये हुआ कि अभ्यास मुलतवी करके और चाइना ने जो है एक तरह से अटैक कर दिया, घुसपैठ कर लिया। अब भारत सोच ही नहीं सकता था कि इस कोविड-19 के संकट के दौर में भी चीन ऐसा करेगा, लेकिन चीन के तो विश्वासघात की आदत है, वो उसने किया,
और वहीं पे भारत एक तरह से मात खाया क्योंकि चोटी पे जाकर के चीन बैठ गया। और अब जो भारत ने दो बार कार्रवाई की है उसे चीन बौखलाया हुआ है। शी जिनपिंग दूसरा माओ बनना चाहते हैं, वो मैसेज देना चाहते हैं, देश में उनके खिलाफ असंतोष है, सेना में उनके खिलाफ असंतोष है। ये भी बात आ रही है कि इस दो बार के मात के बाद वो सेना में तब्दीली करना चाहते हैं और अपने लॉयलिस्ट को बिठाना चाहते हैं। देखते हैं वो अपने मकसद में कितना कामयाब होते हैं। इस बीच भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है और चीन का हर कदम का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।